आप सभी को जय मसीह की। सियोन टीवी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखकर चलेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में कुछ ज्ञान की बातें। क्या आप जानते हैं, नंबर एक, बाइबल शब्द बिब्लिया शब्द से निकला है। नंबर दो, बिब्लिया का अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। नंबर तीन, बाइबल का मुख्य लेखक खुद परमेश्वर है। नंबर चार, बाइबल को लगभग 40 लोगों ने लिखा था। नंबर पाँच, बाइबल को लिखने में लगभग 1600 वर्ष लगे थे। नंबर छः, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। ये दूसरा तिमुथियस 3:16 में लिखा है। नंबर सात, बाइबल के सभी लेखक अलग अलग जगह के रहने वाले थे। नंबर आठ, बाइबल 2500 से भी ज़्यादा भाषाओं में लिखी जा चुकी है। नंबर नौ, बाइबल शुरू में अध्यायों और पदों में नहीं बांटी गई थी। नंबर दस, बाइबल को सबसे पहले चमड़े के पत्रों पर, मिट्टी के टीलों पर और पत्थर की शिलाओं पर लिखा गया था। नंबर 11, बाइबल के लेखकों में मजदूर, किसान, सैनिक, डॉक्टर, कवि, नेता, वकील और तंबू बनाने वाले शामिल थे। नंबर 12, बाइबल को लिखने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को कहा, आदम, नूह या अब्राहम को नहीं। नंबर 13, बाइबल में विज्ञान से संबंधित अनेक बातें लिखी गई हैं, जबकि उस समय लोग विज्ञान के बारे में जानते ही नहीं थे। नंबर 14, बाइबल का लगभग 1/3 भाग इतिहास से भरा पड़ा है। नंबर 15, बाइबल केवल मसीहों का ही ग्रंथ नहीं बल्कि सारी मानव जाति का ग्रंथ है। मेरी आशा है कि आप सब लोगों ने इस वीडियो से आशीष पाई होगी। अगर आप में से किसी ने सियोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप सब में बनी रहे। आमीन।